नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हेल्थ। इंडिया न्यूज हेल्थ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात ब्रोकली के फायदों के बारे में करेंगे। जी हाँ, अगर आपको ब्रोकली पसंद नहीं है तो इसको आज ही अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिए। इसके फायदे सुनकर आप भी खुद को इसे खाने से रोक नहीं पाएंगे। ब्रोकली बहुत लोकप्रिय सब्जी नहीं है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये गुणों का खजाना है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन ए, सी और कई दूसरे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी, आप चाहें तो इसे सलाद के रूप में, सूप में या फिर सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इसे भाप से पकाकर खाना भी पसंद करते हैं। दोस्तों, वक्त बर्बाद न करते हुए आइए इसके फायदों के बारे में बात करते हैं। ब्रोकली दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव करता है। ब्रोकली में कैरोटेनॉइड्स, ल्यूटिन पाया जाता है। ये दिल की धमनियों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसके सेवन से दिल का दौरा पड़ने और अन्य बीमारियों के होने की आशंका कम हो जाती है। इसमें मौजूद पोटेशियम कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाना नहीं देता। तो दोस्तों, साथ साथ आपको बता देती हूँ, इसमें पोटेशियम कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ने नहीं देता है। ब्रोकली में फिटा केमिकल अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है। ब्रोकली अवसाद के खतरे को भी कम करता है। तो दोस्तों, साथ साथ आपको बता देती हूँ, ब्रोकली में फोलेट की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ये मूड को बेहतर बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। ब्रोकली में विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी शरीर में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने और संक्रमण से बचाव में मदद करता है। गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से ब्रोकली का सेवन करना चाहिए। इसमें मौजूद तत्व न केवल बच्चे के स्वास्थ्य और विकास के लिए फायदेमंद होते हैं, बल्कि माँ को भी कई प्रकार के संक्रमण से दूर रखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ब्रोकली के ये खास उपाय आपको समझ में आए होंगे, ये टिप्स आपको समझ में आए होंगे। बस आज से ही आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में ब्रोकली का इस्तेमाल करिए, फिर देखिए कैसे आप हेल्दी बन जाते हैं। ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए आपको क्या करना है, बने रहना है इंडिया न्यूज पर। Take care and bye-bye.